नमस्कार, स्वागत है आपका शर्मा जी एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हमने विकास के सिद्धांत और विकास की जो अवस्थाएं हैं उस पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम विकास के आयाम और इसके पक्ष पर चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो है वो सीटेट और एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं अनुग्रह शर्मा। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। MSc BEd फ्रॉम MJPRU बरेली, को फाउंडर ऑफ शर्मा जी एजुकेशन अनअकैडमी पर ये मेरा लिंक है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा जहां आप मेरे कोर्सेज देख सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वृद्धि या विकास के विभिन्न आयाम या पक्ष। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति के विकास के जो पक्ष बताए गए हैं वो यहाँ पर पांच पक्ष बताए गए हैं या पांच आयाम बताए गए हैं। तो ये है, पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा संवेगात्मक विकास और पांचवा आता है नैतिक या चारित्रिक विकास। तो इन्हीं पांचों भागों पर हम आयामों पर चर्चा करेंगे। तो एक डायग्राम के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। विकास के आयाम जो हैं वो ये पांच भागों में बटे हुए हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो पहले विकास पर चर्चा करते हैं जो कि है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास जो होता है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीर का जो विकास है, शरीर संबंधी जितने भी विकास हैं वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं, चाहे वे बाहरी हों या फिर आंतरिक हों। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शारीरिक विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, लगातार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अब इसमें बाहरी ढांचे में जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं ऊंचाई संबंधी, शारीरिक अनुपात, भार आदि में होने वाला परिवर्तन, और आंतरिक अंगों में जो परिवर्तन होते हैं उसे आंतरिक विकास कहेंगे, शारीरिक विकास का ही एक अंग है। तो इसमें आते हैं स्नायु संस्थान, श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, रक्त तथा उत्सर्जन संस्थान आदि की जितनी भी कार्य प्रणाली व क्षमता है वो सभी क्या है, ये आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। इसके बाद आता है मानसिक विकास। तो मानसिक विकास हम समझ सकते हैं मस्तिष्क या फिर हमारा जो मानसिक संबंधी जितने भी विकास होता है वो सब मानसिक विकास में आता है। तो बालक की मानसिक योग्यताएं और क्षमताओं में होने वाले परिवर्तन अर्थात वृद्धि को ही क्या कहते हैं, हम मानसिक विकास कहते हैं। बालक की संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मरण शक्ति, वृद्धि, विचार शक्ति, निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण शक्ति, बुद्धि व समस्या समाधान आदि जो है प्रकार की मानसिक व बौद्धिक शक्तियां हमारी मानसिक वृद्धि व विकास की प्रक्रिया द्वारा ही नियंत्रित होती है। तो मानसिक विकास के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। संवेदना होती है, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मरण शक्ति, वृद्धि, विचार शक्ति, निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण शक्ति, बुद्धि व समस्या समाधान। तो ये सभी क्या आता है, मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है वो है अगला सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है हम देख सकते हैं यहाँ पर। सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। तो जो मनोवैज्ञानिक एक रही है श्रीमती हॉरलॉक, उन्होंने कहा कि सामाजिक विकास का लक्ष्य बच्चों में सामाजिक परिपक्वता लाना है। बालक परिवार से सामाजिकता सीखता है, सर्वप्रथम वह परिवार, पास पड़ोस, उसके बाद वह विद्यालय व बाहरी दुनिया में के संपर्क में आता है। वह सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार व त्याग आदि को सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक बालक है उस बालक में परिपक्वता में जो योगदान रहता है वो परिवार के साथ साथ समाज का भी रहता है। तो सामाजिक विकास किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि सामाजिक विकास उसके अंदर ना हो, किसी व्यक्ति के अंदर ना हो, तो वह समाज से नहीं जुड़ सकता, मतलब सामाजिक गतिविधियों में वह भाग नहीं ले पाएगा। तो सामाजिक विकास क्या होता है, समाज के द्वारा या जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके द्वारा जुड़ने पर ही प्राप्त होता है। उसके बाद आता है संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास जो है वो उसको देख लेते हैं क्या है। संवेग पद का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है। यह लैटिन शब्द इमोवर से लिया गया है। अब यहां पर जिसका अर्थ यहां पर उत्तेजना बताया गया है, तो इस शाब्दिक अर्थ को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति की उत्तेजित स्थिति का नाम ही संवेग है। तो कैंटोविस एक मनोवैज्ञानिक रहे, तो उनके अनुसार यहां पर संवेग की एक डेफिनेशन दी गई है। संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिससे कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर उसमें खास खास व्यवहार होते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर कैंटोविस के द्वारा दी गई। अब संवेग एक ऐसी जटिल अवस्था है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे कि हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य में परिवर्तन आदि होते रहते हैं। अब इसके अतिरिक्त शरीर के जितने भी बाहरी अंग हैं जैसे हाथ पैर
आंख, चेहरा आदि, तो इनमें भी क्या होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, भाव परिवर्तित हो जाता है जब संवेग के बस में व्यक्ति होता है। तो ये संवेगात्मक परिवर्तन है जो जो कि हमारे अंग के द्वारा प्रदर्शित हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं चारित्रिक विकास या फिर नैतिक विकास। तो चारित्रिक विकास और नैतिक विकास अवस्था पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के लिए चारित्रिक विकास की अलग 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 बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कि शैशवावस्था में क्या है, उचित अनुचित का ज्ञान ना होना। तो चारित्रिक विकास में अगर नैतिक विकास की हम बात करें तो शैशवावस्था में उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। सामान्य नियमों का ज्ञान होना, कई छोटे छोटे जो सामान्य से नियम है उनकी जानकारी हो जाती है शैशवावस्था में। उसके बाद अहम के भाव की प्रबलता रहती है, आज्ञा पालन के भाव की प्रबलता रहती है, नैतिकता का उदय होता है इसी अवस्था में, और कार्य के परिणाम के प्रति चेतनता रहती है। मतलब चेतनता का अर्थ होता है जागरूकता रहती है। इसी तरीके से बाल्यावस्था में जो चारित्रिक विकास है उसकी बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को अधिक सीखने की अवस्था बताया है। यह अवस्था चारित्रिक विकास को स्थायित्व देने वाली अवस्था होती है। जैसे स्ट्रेंज रथ जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि 6, 7 एवं 8 वर्ष के बच्चों में विवेक, न्याय, ईमानदारी और मूल्य के प्रति जो निष्ठा का भाव होता है उसका विकास होने लगता है 6, 7 और 8 वर्ष के आयु के बच्चों में। अब इसमें कुछ बिंदु हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। हम की भावना का विकास होता है इसी अवस्था में। सही गलत, न्याय अन्याय में अंतर करना सीख जाता है बालक। आदर्श व्यक्तित्व का चुनाव करना सीख जाता है। अब यहाँ पर धार्मिक भावों का भी क्या होता है, उदय होता है। इसके बाद आती है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में चारित्रिक विकास क्या 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 बताए गए हैं यहाँ पर, तो इस अवस्था तक चारित्रिक विकास की जो जड़ें होती है वो मजबूत हो जाती है। वह आवश्यकता अनुसार उनका चयन करता है। अब जैसे समायोजन का अभाव, मानव धर्म का महत्व वो समझ जाता है कि मानव धर्म क्या कहता है, सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, ये भाव उसके अंदर आ जाता है। चारित्रिक गुणों का भी क्या होता है, विकास होने लगता है। तो किशोरावस्था में क्या होता है, लगभग परिपक्वता आ जाती है, चारित्रिक जो और नैतिक विकास है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। अगर आपको ये लेसन समझ में आ गया है, ये वीडियो समझ में आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको सीटेट और एस्टेट से संबंधित जितनी भी वीडियो है वो मिलती रहेंगी। थैंक यू।